चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फाइंड एक्स वाई जेड एंड टी इफ दिस कंडीशन गिवन। मैंने देखा यार कंडीशन में देखा तो टू बाहर खड़ा है और अंदर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए रेडी है, उसी हिसाब से थ्री है और यहाँ पे भी थ्री है जो अंदर जाके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है। ठीक है, तो जरा देखते हैं कैसा होगा। ये अंदर गया तो क्या हो जाएगा, 2x, 2z, 2y एंड 2t। ठीक है, अच्छा प्लस ये 3 अंदर गया तो 3 माइनस 3 0 एंड 6 इक्वल टू, ये 3 बोला मैं अंदर जाके 3 3 9 3 5 15 3 4 12 एंड 3 6 18 बना दूंगा। मैंने बोला बना तो दिया। अच्छा एडिशन करेंगे तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या होता है एडिशन, जरा देखते क्या होगा। 2x प्लस 3, ठीक है यहाँ पे हो जाएगा 2z माइनस 3, अच्छा यहाँ पे होगा 2y एज इट इज एंड 2t प्लस 6। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है 9 15 12 एंड 18। अच्छा ध्यान से देखा जाए तो यहाँ कंपेरिजन होगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 9। ठीक है, अच्छा देखो ये उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा तो 9 में से ये 3 माइनस होगा तो 6 बचेगा, फिर मैंने कहा 2 इसे डिवाइड कर देगा तो क्या करेंगे, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 3। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूँ कि भाई 2z माइनस 3 इक्वल टू 15, तो माइनस 3 बोला मैं उस तरफ जाके प्लस हो जाऊँगा, मैंने बोला प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 18 होगा। अच्छा सेम वे यहाँ पे भी मैं अगर 2 से डिवाइड करूँ तो z इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 9। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ तो 2y इक्वल टू 12, तो डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा y इक्वल टू क्या होगा 6। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखते हैं ज़रा क्या दिया है, 2t प्लस 6, 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, ये 6 उस तरफ जाके माइनस होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 12। अच्छा ये 2 से फिर उस तरफ जाके डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा हमें t इक्वल टू 6, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इफ दिस कंडीशन गिवन फाइंड x एंड y। मैंने कहा चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। मैंने देखा यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स दिए हुए हैं लेकिन बाहर कुछ वेरिएबल खड़े हैं, उसे अगर हम अंदर भेजेंगे तो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये अंदर जाएगा तो 2x, ये अंदर जाएगा तो 3x। ठीक है, इसे बोलने में ध्यान रखना नहीं तो बदल जाते हैं मीनिंग। अच्छा ये अंदर गया तो माइनस वाई, ये अंदर गया तो y इक्वल टू क्या बचेगा 10 एंड 5। मैंने कहा देखो प्लस का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन, तो क्या होगा 2x माइनस वाई और यहाँ पे होगा 3x प्लस वाई। ठीक है, इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 10 एंड 5। अच्छा इसका मतलब है कि इक्वल टू साइन बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं एज वेल एज ये दोनों इक्वल है। मैंने बोला चलो कोशिश करते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू मैं 10 ले लेता हूँ एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। अच्छा चलिए इसे इक्वेशन 1 इसे इक्वेशन 2 बोलते हैं और दोनों को यहीं मैं ऐड कर देता हूँ। अगर ऐड करूँगा तो ये दोनों प्लस माइनस कैंसल, 2x प्लस 3x हो जाएगा 5x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 15। अगर इस 5 को उस तरफ डिवाइड में भेजूं तो मुझे x इक्वल टू क्या मिलेगा 3। ठीक है, क्योंकि 5 3 15 हो जाता है। अच्छा अब x इक्वल टू 3 मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी रख सकता हूँ, जहाँ मर्जी चाहे। ठीक है, मैं इक्वेशन 2 में रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई x इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन 2। अच्छा देखो 3 इंटू यहाँ पे है 3 तो इस तरह से लिख देते हैं x की वैल्यू 3 है प्लस y इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 5। तो मैंने देखा 3 3 तो 9 होता है, 9 को अगर मैं उस तरफ जाके माइनस कर दूं तो 5 माइनस 9 क्या हो जाएगा माइनस 4, विच इज आर रिक्वायर्ड। अगला क्वेश्चन है फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। बच्चा का सर एक्स मिल जाए तो भी अच्छा है, मैंने बोला पहले इधर कॉन्सेंट्रेट कर ले, पहले ये 12th खत्म करना है। ठीक है, इफ दिस 3 इंटू दिस एंड इस दो मैट्रिक्स का एडिशन दिया है। मैंने कहा चलिए कोशिश करते क्या करेंगे हम, ये 3 को पहले तो अंदर भेजेंगे सबके पास तो क्या मिलेगा हमें 3x, यहाँ पे 3z, यहाँ पे 3y और यहाँ पे 3w। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे क्या करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन, तो क्या होगा भाई ये x 4 को जाके मिलेगा। ठीक है, फिर ये माइनस 1 इन्हें जाके मिलेगा तो z प्लस w में माइनस 1 एक डाल दो। ठीक है, फिर ये 6 इनके पास जाएगा तो x प्लस वाई प्लस 6 और ये w, ठीक है ये 2w इधर जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 2w प्लस 3। ठीक है, अब देखो इक्वल टू की साइन है, इक्वल टू की साइन बोल दिया, दोनों तरफ हमें कंपेयर करना है और वो भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को,
तो जहाँ आसान आसान दिखे ज़रा देखते हैं, पहले यहाँ कंपेयर करते हैं क्या हो जाएगा, 3x = x + 4। मैंने कहा यार ये x इस तरफ आता तो माइनस हो जाता, तो क्या बचता यहाँ पे 2x और यहाँ बचता 4। सोचो अगर 2 डिवाइड में जाता तो x इक्वल टू क्या बचता, यहाँ पे बचता 2, ठीक है, क्योंकि 4 डिवाइड बाई 2 इज 2, ठीक है। फिर मैंने देखा कि यार 3w, ठीक है, और इसे कंपेयर करना आसान रहेगा, तो 3w = 2w + 3। ये 2w इस तरफ आएगा तो माइनस होगा, तो बचेगा सिर्फ w = 3, ठीक है, तो इसे मैंने संभाल के रख लिया। अब जरा देखते हैं नेक्स्ट क्या हो सकता है। अब मैंने कहा चलो फिर करूंगा तो क्या होगा, 3z = z + w - 1। अच्छा इसे इस तरफ लेते हैं तो माइनस होगा, तो 2z = देखो w बचा जिसकी वैल्यू है 3 - 1, तो 2z = क्या बचेगा 2, तो z = 1, ठीक है। अच्छा अब मैंने देखा कि भाई इसे भी कंपेयर किया जा सकता है, तो मैंने लिखा कि 3y = क्या मिलेगा हमें, x + y + 6। अच्छा इस y को इस तरफ लाएंगे तो क्या बचेगा 2y, क्योंकि माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे है x + 6। ध्यान से देखो x की वैल्यू ऊपर है यानी 2 + 6, तो मैं लिख सकता हूँ 2y = 2 + 6 क्या होता है 8। अच्छा सोचो 2 को डिवाइड में भेजना तो क्या मिलता मुझे, y = 4, विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए चालू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इफ f(x) = दिस, शो दैट f(x) * f(y) = f(x + y। बच्चे ने कहा सर जी राइट हैंड साइड देखो बहुत आसान है। मैंने कहा चल लिख लेते हैं, RHS में क्या है f(x + y). देखो f(x) अगर ऐसा हो तो f(x + y) क्या होगा, x की जगह x + y को रिप्लेस मारना है बस। तो चलिए मैं डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ, क्या आएगा यहाँ पे cos(x + y), यहाँ पे आएगा sin(x + y), यहाँ पे क्या आएगा 0। मैंने कहा यार यहाँ पे लिख देते हैं sin(x + y), यहाँ पे cos(x + y), यहाँ पे क्या आएगा 0। मैंने कहा यार यहाँ पे 0 0 1 भी डाल दो, लास्ट में पड़े थे, तो ये कौन हुआ हमारा इक्वेशन 1, क्योंकि मुझे RHS मिल गया। अब सिर्फ मुझे ढूंढना है LHS और उसे इसके बराबर ला देना है। चलिए जरा LHS उठाते हैं। LHS था f(x) * f(y). मैंने कहा प्रोडक्ट में है, पर ध्यान से ये f(x) है, ये f(y), मतलब x की जगह यहाँ y को रिप्लेस करना है। चलिए जरा लिखते हैं f(x) कौन है, ये रहा cos(x - sin(x) 0 0 1। यहाँ पे क्या है sin(x) फिर 0, cos(x) फिर 0। बाजू में किसे लिखेंगे, बाजू में हम लिख देंगे f(y) को। चलिए क्या करना है f(y) में, x की जगह y को रिप्लेस करना है, तो यहीं से कॉपी करते हैं cos(y - sin(y) 0 0 1 0 0। फिर यहाँ पे क्या आएगा sin(y - cos(y). अच्छा अब सिर्फ इसका सिंपली प्रोडक्ट करना है, और हम जानते हैं क्या करेंगे, रो का कॉलम से प्रोडक्ट। अच्छा कैसे, इसका प्रोडक्ट प्लस इसका प्रोडक्ट प्लस ये तो जीरो नहीं लिखना जा। अच्छा क्या करेंगे, इसका आएगा cos(x) - cos(y), ठीक है। अब देखो जरा ये क्या देगा -sin(x) - sin(y). बच्चा आगे बढ़ने से पहले बोलता है सर cos(x) - cos(y) - sin(x) - sin(y) ये तो आइडेंटिटी है। मैंने कहा सही पकड़े हैं, ये कौन सी आइडेंटिटी है, cos(x) + y की। याद करो cos(x) + y को हम क्या कहते थे, cos(x) - cos(y) - sin(x) - sin(y), याद है ना। देखो याद रखना cos(x) + y की है, क्योंकि cos में अगर अंदर प्लस हो तो यहाँ क्या खुलता है माइनस। अब देखो ये पहली रो इस दूसरी कॉलम के पास जाएगी, और यहाँ पे मैंने कहा यार ये तो माइनस आ रहा है। फिर बच्चे ने देखा सर यहाँ पे मल्टीप्लाई पे भी माइनस आ रहा है, और तीसरा तो जीरो, तो फिर मैंने कहा यार माइनस को बाहर निकाल लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा अगर बाहर निकाल रहे हैं तो क्या होगा, ये cos(x) - sin(y) cos(x) - sin(y) प्लस क्या होगा sin(x) - cos(y), क्योंकि माइनस तो बाहर चला गया, प्लस sin(x) - cos(y), और जीरो वाली टर्म को नहीं लिखना और क्या। अच्छा अब ये जब तीसरे के पास जाएगी तो ध्यान से इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो, क्योंकि 0 × anything 0, ये भी 0, ये भी 0, तो बाद में तीसरी टर्म क्या आने वाली है 0। अच्छा मैंने कहा यार अब दूसरी रो को मुझे इससे मल्टीप्लाई करना हो तो ये sin(x) - cos(y) + cos(x) - sin(y) + 0, क्या होगा sin(x) - cos(y) + cos(x) - sin(y) sin(x) - cos(y) + cos(x) - sin(y), तीसरी बाकी की टर्म तो 0 है। अच्छा फिर ये इसके पास जाएगा तो क्या होगा माइनस sin(x) - sin(y) - sin(x)
साइन वाई प्लस क्या होगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस जीरो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस जीरो। अच्छा अब देखो ये तीसरे के पास जाएगा तो जीरो 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 तो यहां पे क्या आएगा जीरो। अच्छा अब देखो जरा फिर ये तीसरी रो इन सबसे मल्टीप्लाई होना चाहती है मैंने बोला देखो जीरो 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 ठीक है तो यहां पे क्या आएगा जीरो 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 तो यहां पे क्या आएगा जीरो। अच्छा देखो जीरो जीरो वन मतलब यहां पे क्या आएगा वन। तो बच्चे ने कहा सर अब मैंने बोला कुछ नहीं सिर्फ आइडेंटिटी रख दो आपका आंसर आ गया। फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन का आंसर और इसे इक्वेशन टू दे देता हूँ आप खुश हो जाओगे। देखो जरा ये क्या है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई इसे हम बुलाते थे कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। अच्छा फिर ये माइनस बाहर है ये क्या होता है देखो जरा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई तो क्या हो जाता है माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। अच्छा और बाद में तीसरी टर्म कौन सी बचती है जीरो क्या बचती है जीरो। अच्छा अब मैंने कहा यार यहां पे तो फिर से जीरो जीरो वन और नीचे तो जीरो जीरो फिक्स है मैंने कहा हाँ ये तो फिक्स है। अच्छा अब देखो जरा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई ये क्या बन जाता है ये बन जाता है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। अच्छा ये क्या बनेगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई ये बनता है कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। अच्छा ध्यान से देखा तो पता चला ये दोनों तो सेम है देखो कॉस वाले टर्म सेम माइनस साइन वाली फिर जीरो 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 ठीक है ये भी देखो जरा इससे सेम आया मतलब फ्रॉम वन एंड टू वी कैन से एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो बस आपको यही लिख देना है कि भाई फ्रॉम वन एंड टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा अगर कहीं पे किसी को क्वेरी आई हो या कोई मल्टीप्लीकेशन में किसी समझ में ना आया तो उसे स्लोली फिर से एक बार देख सकते हो। थैंक यू।